नमस्कार, डीवी न्यूज में आपका स्वागत है। देश की सर्वोच्च अदालत की 5 जजों की संविधान पीठ ने असम समझौते को आगे बढ़ाने के लिए 1985 में संशोधन के माध्यम से जोड़े गए नागरिकता अधिनियम की धारा 6A की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा। बता दें कि इस मामले की सुनवाई CJI DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच कर रही थी, जिसको लेकर 12 दिसंबर 2023 को 17 याचिकाओं पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया था और आज उस कानून को बरकरार रखने का फैसला दिया गया है। बता दें कि नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 6A को असम समझौते को आगे बढ़ाने के लिए 1985 में जोड़ा गया था। मान्यता दी थी धारा 6A को चुनौती देने वाली याचिकाओं में 1971 के बजाय 1951 को राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर में शामिल करने की कट ऑफ तिथि बताने की मांग की गई थी। वहीं CJI DY चंद्रचूड़, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस MM सुंदरेश, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की 5 जजों संविधान पीठ ने फैसला सुनाया है। संशोधन में कहा गया था कि जो लोग 1985 में बांग्लादेश से 1 जनवरी 1966 या उसके बाद, लेकिन 25 मार्च 1971 से पहले असम आए हैं और तब से वहां रह रहे हैं, उन्हें भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए धारा 18 के तहत अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इस प्रावधान के चलते असम में बांग्लादेशी प्रवासियों को नागरिकता देने की अंतिम तारीख 1971 तय कर दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने 5 दिसंबर 2023 को असम में सिटीजनशिप एक्ट की धारा 6A से जुड़ी 17 याचिकाओं पर 5 जजों की बेंच में सुनवाई शुरू कर दी थी। 2 जजों की बेंच ने 2014 में इस मामले को कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के पास भेज दिया था। कोर्ट ने कहा था कि ऐसा कोई सबूत नहीं है जो बताता हो कि 1966 से 1971 के बीच बांग्लादेशी प्रवासियों को भारतीय नागरिकता देने का असर असम की जनसंख्या और सांस्कृतिक पहचान पर पड़ा हो। इस धारा 6A के प्रावधान के मुताबिक जो बांग्लादेश अप्रवासी 1 जनवरी 1966 से 25 मार्च 1971 तक असम आए हैं, वो भारतीय नागरिक के तौर पर खुद को रजिस्टर करा सकते हैं। हालांकि 25 मार्च 1971 असम आने वाले विदेशी भारतीय नागरिकता के लायक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं में कहा गया है कि 1966 के बाद पूर्वी पाकिस्तान से अवैध शरणार्थियों के आने के चलते असम का जनसांख्यिकी संतुलन खराब हुआ है।